नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं TGT PGT न्यूज़ टुडे। TGT भर्ती में PGT भी मान्य बदली भर्ती प्रक्रिया। जुलाई में 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती जाने से जुलाई में 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन। लखनऊ प्रदेश में युवाओं को अगले महीने रोजगार के काफ़ी अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के ने खाली पदे पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में गति के निर्देश के बाद युवाओं में काफ़ी तेज़ी आई है। 15 दिन में विभिन्न विभागों में 5 समूह गए कि भर्ती के लगभग 180 से अधिक अतियाचन यूपी अधीनस्थ सेवा आयोग के मिले। इसके आधार पर वहीं 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जल्दी विज्ञापन आयोग की ओर से अगले महीने जिन प्रमुख भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाना है उसमें ANM लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, असुलिपिक, JEE भर्ती, आयोग स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ANM के 4800 से अधिक पदों पर, राजस्व विभाग के अंतर्गत लेखपाल के 4700 अधिक पदों पर, राज्य कर और राजस्व परिषद विभागों में कनिष्ठ सहायक के 1100 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की। ये वो अखबार की कटिंग है। जुलाई में 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन। पिछले 15 दिन में विभागों में समूह गए के 180 से अधिक UPSC को मिल चुके हैं जिसमें ANM के 4800, लेखपाल के 4700, कनिष्ठ सहायक के 1100 पद शामिल है। इन प्रमुख भर्ती की पहले से ही चल रही है। नेक्स्ट न्यूज है TGT भर्ती में UGC के साथ PG की डिग्री भी होगी मान्य। प्रारंभिक शिक्षा ने बदले अपने नियम। TGT की भर्ती में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री भी मान्य होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 15 साल बाद प्रशिक्षित स्नातकों की शिक्षक भर्ती में पदोन्नति के नियम भी बदल दिए हैं। लोक सेवा आयोग शिमला या कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में TGT कैंडर के 14,224 पद हैं। भर्ती एवं पदोन्नति नियम में बदलाव को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में TGT की भर्ती में NCTE नियम लागू होंगे। वर्ष 2009 में TGT की सीधी भर्तियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बने थे लेकिन अलग अलग कैंडर की भर्ती में नियम भी अलग अलग थे। इसके चलते कई मामले कोर्ट केस में फंस गए। नए नियमों का सामान्य वर्ग के उन अभ्यर्थियों को भी फायदा होगा जिनके स्नातक में 50% अंक नहीं है। अब सभी कैंडर स्टेंट के लिए सामान्य भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू होंगे। मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स संकाय में सभ्यर्थी के लिए सामान्य नियम लागू होंगे। नए नियम में तय किया गया है कि TGT कैंडर की भर्तियों के लिए UG के साथ अब PG की डिग्री भी मान्य होगी। नई शर्त के तहत सेक्शन योग्यता में तय किया गया है कि TGT की भर्ती के लिए BMA यदि 50% अंक से कम प्रतिशत है तो PG में 55% होने चाहिए। इसके साथ ही जमा दो कक्षा में 50% अंकों के साथ BEd का 4 वर्ष का डिप्लोमा हो। इसके साथ ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के BA BCOM में 50% अंक के साथ 1 वर्ष का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा भी अब मान्य होगा। अभ्यर्थियों को TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी होगा। नए नियमों के तहत ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से किसी एक में सामान्य वर्ग के लिए 50% अंकों की अनिवार्यता होगी। वर्तमान में 50% सिर्फ UG में है। दूसरा बदलाव रूसा के कारण हुआ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विवाद के कारण जरूरी था। इसमें मेजर और माइनर विषय के कारण कुछ साल के UG छात्र TGT के अपात्र हो गए थे जिसके बाद ये मामला कोर्ट में भी हो गया। साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।